आप देख रहे हैं भारत समाचार, मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। और आज हम इस बुलेटिन में बात करेंगे कानून पर मचे उत्तर प्रदेश में कोहराम की। सपा और कांग्रेस का हल्ला बोल लगातार जारी है। सरकार की नीतियों को लेकर हल्ला बोल समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के विधायक लगातार कर रहे हैं। सड़क पर उतरे हैं समाजवादी पार्टी के विधायक, आलू प्याज की माला पहनकर प्रदर्शन कर रहे हैं। चूंकि प्याज जो है, अगर आप पिछले 4 महीने का रिकॉर्ड उठा के देखेंगे तो प्याज के दाम कम होने का नाम नहीं ले रहा है। लोगों ने कहा, सरकार ने भी कहा कि बाहर से प्याज मंगाई गई है, बाहर से प्याज आ भी गई, अफगानिस्तान की प्याज आ गई, लेकिन उसके बावजूद प्याज के दाम 100 रुपए प्रति किलो है। और यही वजह है कि समाजवादी पार्टी के विधायक, समाजवादी पार्टी के नेता आज सड़क पर उतर आए हैं। एक तो नागरिकता कानून को लेकर, दूसरी जो महंगाई हो गई है, इन सारी बातों को लेकर, और तीसरी इनकी जो प्रमुख मांग है, जो सड़क पर उतरने की वजह है, वो कानून व्यवस्था है। और आप समझ भी रहे होंगे उन्नाव में जो कुछ हुआ वो आपने देखा, और साथ ही साथ आपने ये भी देखा कि किस तरीके से बिजनौर की कोर्ट में जज साहब के सामने गोलियां चली। तो ये सारा कुछ पिछले एक या दो हफ्ते में हुआ वो सब आप देख रहे हैं। और विधानसभा के बाहर, विधानसभा के भीतर लगातार हंगामा हो रहा है। जो विपक्ष में एक आक्रोश था वो आज फूटा है, वो सामने आया है लोगों के, जो लगातार वो जनता की बात सुन रहे हैं। बहुत स्वाभाविक है, कोई भी विधायक हो, कोई भी नेता हो, अब वो बार बार जनता से सुन रहा होगा, ये कहा जा रहा होगा उससे कि महंगाई बहुत हो गई है, प्याज लेने जाओ तो 100 रुपए किलो मिलती है, अब नागरिकता पर कानून आ गया है, पहले हमारी तो रखवाली हो नहीं रही है, हमारी ठीक से नौकरी तो हमें मिल नहीं रही है, यानी अफगानिस्तान के अल्पसंख्यक आएंगे और साथ ही साथ पाकिस्तान के अल्पसंख्यक आएंगे तो आप उन्हें नागरिकता देंगे, यानी जो पहले आपके नागरिक है उनको तो आप सुविधाएं दीजिए। ये कहना है समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का, वो ये कह रहे हैं। और दूसरी बात कि ये बता दीजिए कि ऐसी कौन सी जगह है जहां पर हम सुरक्षित हैं। आज एक बड़े प्रदर्शन का ऐलान किया गया था जिसे लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बड़ी संख्या में फोर्स परिवर्तन चौक सहित पुराने लखनऊ में तैनात की गई है। ऐसे में बातचीत के लिए हमारे साथ आईजी एसके भगत जी खुद मौजूद हैं। सर, कितनी फोर्स लगाई गई है यहाँ से? देखिए, ऐसा है कि टोटल फोर्स की संख्या तो अभी बताना मुमकिन नहीं है, क्योंकि जितना फोर्स एसएसपी ने मांगा था, जितने अधिकारी मांगे गए थे, सभी उनको दे दिया गया है। पूरे शहर को 3 टायर सिक्योरिटी जोन्स में डिवाइड करके उस पे कार्रवाई चल रही है। हर पॉइंट्स पे फोर्स लगी हुई है। भीड़, चूंकि आप जान रहे हैं कि आज किसी भी धरना प्रदर्शन या किसी तरह के जुलूस की परमिशन नहीं दी गई है, तो लोग परिवर्तन चौक पे ना पहुंचे, इसकी व्यवस्था की गई है। और हर जगह पुलिस फोर्स, महिला कांस्टेबल आदि की तैनाती कर दी गई है, ताकि किसी तरह का जो जन मानस को किसी तरह की समस्या का सामना ना करना पड़े। तो सर, क्या सर कुछ लोगों को नजरबंद भी किया गया है, गिरफ्तारियां भी हुई हैं कल, जो लोग जो है वो इस तरह के उसमें प्रदर्शन में शामिल होने वाले थे? देखिए, जो भी इंटेलिजेंस की इनपुट्स थी, जिनपे जो इंटेलिजेंस की इनपुट्स आई थी कि ये समस्या उत्पन्न कर सकते हैं, ये भड़का सकते हैं, तो उनको लोकल स्तर पे एसएसपी साहब के द्वारा कुछ लोगों को नजरबंद भी किया गया है, और जो है कुछ लोगों को प्रिवेंटिव अरेस्ट भी की गई है। तो क्या कहां से कहां तक सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं? क्या सिर्फ एक कुछ एरिया चिन्हित किया गया है या पूरे लखनऊ में? पूरे लखनऊ को 3 टायर सिक्योरिटी जोन में डिवाइड करके अकॉर्डिंगली जो मेन पॉइंट से जहां से कुछ लोग आ सकते हैं परिवर्तन चौक पे, उन एरियाज में टोटल जो है सिक्योरिटी कवर लगाई गई है। बातचीत के लिए शुक्रिया। ये थे एसके भगत जो कि आईजी रेंज लखनऊ हैं, और इन्होंने बताया है कि 3 भागों में जो है वो लखनऊ सिक्योरिटी जोन को बांटा गया है, और ऐसे में जो मुख्य पॉइंट थे जहां से लोग ज्यादा आ सकते थे वहां पर बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात की गई है, और अगर कोई धारा 144 का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी बताया कि इस प्रदर्शन के चलते कई लोगों को नजरबंद भी किया गया है और कुछ लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई हैं। कैमरामैन दुर्गेश के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।